तो आज के वीडियो में हम आप लोग को बताने वाले हैं कि अगर आपके भी फ़ोन या गैलरी में से जो है कोई भी फोटो जो है डिलीट नहीं होता है, डिलीट करते हैं फिर वापस आ जाता है, तो इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे कर सकते हैं, यही आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। जैसे कि मान लीजिए गाइस, मैंने इस फोटो को जो है डिलीट किया हुआ है और यहाँ पर देख सकते होंगे, जैसे इस पर क्लिक किया तो यहाँ पर फाइल फॉर्मेट इज नॉट सपोर्टेड और फायर ऐप और फाइल आर कॉर्पोरेटेड यहाँ पे लिख रहा है, ठीक है। तो आप लोग इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे कर सकते हैं, बिल्कुल इजी तरीका है। आप यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोस देख चुके होंगे लेकिन आप लोगों को इस प्रॉब्लम का सलूशन जो है नहीं मिलता होगा। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका 100% जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने वाला है, ठीक है। तो गाइस, चाहे वो स्क्रीनशॉट हो, चाहे वो किसी का फोटो हो, चाहे वो कोई भी इमेज हो, अगर आप डिलीट करते हैं तो डिलीट नहीं होता है, फिर वापस यहाँ से ऊपर से जो है दिखने लगता है, ठीक है, या वापस जो है आ जाता है। तो सबसे पहले करना क्या है गाइस, जैसे जैसे मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा सिंपली उसी प्रोसेस को क्या करना है फॉलो करना है। और गाइस, चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही टेक्स रिलेटेड वीडियो हमारे चैनल पर मिलते रहते हैं। तो गाइस, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बताते हैं कि आप लोग इस प्रॉब्लम का सलूशन जो है कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले करना क्या है गाइस, देख सकते हो गाइस, मैंने यहाँ पे पिक और वीडियो को जो है डिलीट किया हुआ है, फिर भी यहाँ पे जो है वीडियो और पिक जो है आ रहा है। पिंक ओपन कर लेना है और सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे एप्स वाला ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। एप्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैनेज एप्स वाला ऑप्शन आ जाएगा, इस पर क्या करेंगे क्लिक कर लेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके फोन में जितना भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहेगा सारा का सारा एप्लीकेशन जो है यहाँ पे आ जाएगा, अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है, देख लेना गैलरी कहाँ पे है, तो सबसे नीचे गैलरी मिलेगा, ठीक है। गैलरी में वाला प्रॉब्लम आ रहा है, तो अगर नहीं आपको गैलरी जल्दी मिल रहा है तो यहाँ पर ऊपर सर्च भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर लेता हूँ, सर्च कर लेता हूँ गैलरी, और गैलरी जैसे क्लिक किया तो यहाँ पर गैलरी वाला ऑप्शन जो है यहाँ पर आ चुका है। और यहाँ पर आने के बाद गाइस, यहाँ पर करना क्या है आपको, क्लियर कैश या फोर्स स्टॉप इस तरह का नहीं करना है, ठीक है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि क्लियर कैश करने से वो गैलरी का जो है सारा फोटो जो है डिलीट हो जा रहा है। तो उसके बाद यहाँ पे गाइज, अगर आप लोगों में ये वाला प्रॉब्लम आ रहा है, ठीक, तो यहाँ पे नीचे लिखा रहेगा अनइंस्टॉल अपडेट, ठीक है, अनइंस्टॉल अपडेट लिखा हुआ रहता है, और अनइंस्टॉल अपडेट पर क्लिक करके और अपडेट को जो है अनइंस्टॉल कर दीजिएगा। यहाँ पर बीच में लिखा हुआ रहता है अनइंस्टॉल अपडेट, ठीक, अनइंस्टॉल अपडेट पर क्लिक करके और इसको क्या कर लीजिएगा, अनइंस्टॉल कर लीजिएगा। तो गाइस, इतना अपडेट अनइंस्टॉल करने के बाद जो है आपका प्रॉब्लम का जो सलूशन हो जाएगा, गैलरी में जो भी फोटो आप डिलीट करना चाहते हैं डिलीट हो जाएगा। और अगर आप क्लियर कैच करना चाहते हैं गैलरी का जो है, तो क्लियर कैच भी कर सकते हैं। तो गाइस, जैसे जैसे मैं आपको प्रोसेस बताया, सिंपली उसी प्रोसेस को आप फॉलो करके जो है गैलरी में अगर आपका कोई भी फोटो डिलीट नहीं हो रहा है तो डिलीट कर सकते हैं। तो गाइस, वीडियो मेरी आप लोग को अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो गाइस, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।